नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 30 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। या तो हमारे चैनल पर आपको प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी तक की सारी जानकारी मिलेगी। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों। बिहार में तेज होगा टीकाकरण अभियान। बिहार में 80,000 सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएंगी डिजिटल किताबें। कोविड-19 के मिले 15 से कम मामले। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में मधुबनी का किया जिक्र। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने निकाली रिक्तियां। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 3, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 1, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 2, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 1 के कुल मिलाकर 83 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यानी कि incois.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। आज पूरे देश में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का त्यौहार देश और प्रदेश में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तारीख को हर्षण योग और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आज 30 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। ऐसे में पूरे देश में बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाएगी और व्रत रखते हुए लोग मंदिरों और घरों में भजन और कीर्तन करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती ही है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव से हर ओर उल्लास और उमंग का वातावरण रहता है। तेज होगा टीकाकरण अभियान। बिहार में कोविड-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए बिहार सरकार टीकाकरण अभियान पर जोर दे रही है। यही कारण है कि बिहार में अब टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत निजी कर्मियों की सेवा सरकार लेने वाली है। साथ ही रोजाना कितनी राशियों का भुगतान किया जाएगा इस बात का खुलासा भी कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निजी क्षेत्र में कार्यरत GNM, ANM और कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि की सेवा लेने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार कोरोना टीकाकरण को लेकर GNM और ANM को ₹450 प्रति कार्य दिवस की दर से प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। बिहार में 80,000 सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएंगी डिजिटल किताबें। कोविड-19 के माहौल में बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत सरकार अब CBSE स्कूल की तरह राज्य बोर्ड से पढ़ाई जाने वाली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही है। जिसके तहत शिक्षा विभाग की इस पहल के बाद राज्य के तकरीबन 80,000 सरकारी विद्यालयों में 1ली से 12वीं कक्षा के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे ई लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। ई लाइब्रेरी के पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर बच्चे कैसे पढ़ाई करें, इसको लेकर जल्द ही कक्षा में जानकारी दी जाएगी। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1ली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के डिजिटल शिक्षण पर जोर दे और इसके लिए विकसित पोर्टल ऐप ई लाइट्स बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है इस बात की जानकारी दे। कोविड-19 के 15 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 11 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें भागलपुर में 1, ईस्ट चंपारण में 1, मधेपुरा में 2, पटना में 3, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,67,207 सैंपल की जांच की गई, वहीं 10 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
पंचायत चुनाव में संभावित बूथ लूट या हिंसा वाले जगह को चिन्हित कर तैयारियां शुरू। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर से पंचायत चुनाव की कवायद बिहार में तेज हो गई है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग भी समय समय पर नए नए नोटिफिकेशन को जारी कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हालिया नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस मुख्यालय पंचायत चुनाव में बूथ लूट या हिंसा के लिए बदनाम इलाकों को चिन्हित कर उनका नक्शा बनाने वाली है, ताकि रणनीति के तहत इस बार उन इलाकों पर विशेष फोकस किया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की गहनता को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया, वैसे गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी है। जानिए कैसा रहेगा आपके जिले में मौसम का हाल। आईएमडी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी कुछ ही जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के कुछ जगहों पर आज बारिश का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार की अगर हम बात करें तो यहां पर पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले में कुछ स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। कमर्शियल बैंकों की तरह काम करेंगे बिहार के सभी सहकारी बैंक। बिहार के सहकारी बैंक जल्द ही नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, आलम कुछ यूं रहेगा कि सेवाओं के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी सहकारी बैंक मात देने वाले हैं। इसके कायाकल्प की तैयारी तेज कर दी गई है। इसको लेकर सरकार ने 34 जिलों में कार्यरत 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 296 शाखाओं में की गई अलग अलग लॉबी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के साथ ही हर शाखा में एटीएम सुविधा देने की तैयारी की गई है। इसके अलावा सहकारी बैंक के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में 500 और व्यापार मंडल समेत अन्य बहुउद्देशीय समितियों में लोगों को बेहतर सुविधा देने की योजना पर अमल किया जा रहा है। इस बाबत सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा है कि बदलते वक्त की जरूरत के अनुसार सहकारी बैंकों की सुविधाओं से लैस किया जाना जरूरी है। बिहार के इंजीनियर निकले लखपति। इन दिनों बिहार में धन कुबेर इंजीनियर होने की कई जानकारी सामने आई है। इसी कड़ी में बीते दिन दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता की गाड़ी में 18 लाख रुपए मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें 66 लाख रुपए रविवार को बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, जमीन और फ्लैट के कागजात हाथ लगे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। इस बाबत मुजफ्फरपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर फकुली चेक पोस्ट के पास वाहनों की जांच कराई जा रही थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में करीब 18 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। बिहार में महिला पुलिस को मिलेगी थानों की कमान। बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में बिहार सरकार जोर शोर से काम करती आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस थानों में भी जल्द ही बड़ी संख्या में महिला थानेदारों की तैनाती किए जाने की बात सामने आई है, जिसके तहत गृह विभाग ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है। गृह विभाग के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय इसकी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वर्तमान समय की बात करें तो महिला थाना समिति कुछ ही थानों में महिला थाना प्रभारी की तैनाती कर चुकी है। इसकी संख्या बढ़ाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर गृह विभाग ने हाल ही में समीक्षा बैठक भी की थी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद ने पुलिस मुख्यालय से थाना प्रभारी और जिलों में पदस्थापना की अर्हता प्राप्त कुल पुलिस पदाधिकारियों की जानकारी मांगी है। इसमें थाना प्रभारी के पद के लिए पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों का वर्गीकरण करने के बाद अलग अलग सूची मांगी गई है। बिहार पंचायत चुनाव में आदर्श बूथ पर महिला कर्मियों की होगी तैनाती। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, जिसके तहत 11 चरणों में मतदान का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारी में पदाधिकारियों के जुटे होने की खबर दी है। हालांकि ऐसा पहली बार होने वाला है जब बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों की मदद से किया जाएगा। ऐसे में आदर्श बूथ का निर्माण होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इन बूथों पर महिला कर्मियों की मौजूदगी तय की गई है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में आदर्श बूथ बनाने की प्रक्रिया जारी है। 11 चरणों में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में कुल 1,13,891 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद का जन्म आज ही के दिन बिहार में पटना के एक प्रख्यात परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए, एमए और एलएलबी की डिग्री वाली ली थी। उनके पिता ठाकुर प्रसाद पटना उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकील थे और तत्कालीन जनसंघ के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। रविशंकर प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वर्तमान में वो भारतीय संसद के ऊपरी सदन में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में भारत के कोयला एवं खान मंत्रालय, न्याय एवं विधि मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। प्रसाद भारत के मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में अग्रणी सदस्यों में से एक है। जेईई एडवांस के लिए इस बार बदले गए मानदंड। जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी, जिसके बाद अब छात्र jeeadv.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद एडमिट कार्ड 25 सितंबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 3 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में होगा। हालांकि इससे पहले जेईई एडवांस 2021 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 जून से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे टाल दिया गया था। परीक्षा 3 जुलाई को प्रस्तावित है, लेकिन इसे भी स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा इस साल मानदंड में भी बदलाव किए गए हैं और पिछले साल की भांति उम्मीदवारों को जेईई एडवांस के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% अंक लाने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। राय पर स्मार्ट सिटी का ट्रैफिक सिस्टम होगा दुरुस्त। बिहार के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ सहित देश भर के स्मार्ट सिटी में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार आम लोगों से राय लेने वाली है। इसके लिए केंद्र ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत की है, जो कि देश के 100 स्मार्ट सिटी शहरों के लिए शुरू की गई है। चैलेंज के तहत 3 चरणों में स्मार्ट ट्रैफिक के लिए एक ठोस विकल्प तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार सभी 100 शहरों से आए 10-10 सुझाव और विकल्प के आधार पर 20 बेहतर आइडिया चुनेगी और इसके लिए हर आइडिया पर 10 लाख रुपए मिलेंगे और यह रुपए केंद्र सरकार देगी। कुल 20 आइडिया पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बिहार में रोबोटिक ऑपरेशन से कम होगा मोटापा। बिहार में जल्द ही मोटापा दूर करने के लिए रोबोटिक ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत यदि आप भी मोटे हैं और मोटापे से परेशान हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उपचार जल्द ही राजधानी पटना में संभव होने वाला है। इसको लेकर पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है, जहां पर मोटापे पे जूझ रहे लोगों का ऑपरेशन रोबोट की मदद से किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही डॉक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रोबोटिक सर्जरी के लिए यूनिट और ओटीटी भी जल्द ही तैयार होने वाले हैं, जिसको लेकर एक वर्कशॉप की गई है। इसमें डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही रोबोटिक यूनिट की स्थापना के बाद डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद संस्थान के सभी विभाग में रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीते दिन जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ताजपोशी तो की गई, साथ ही बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। पहले प्रस्ताव में राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह के सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने, दूसरे प्रस्ताव में पार्टी संविधान में संशोधन का था, तीसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय परिषद ने आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में एनडीए के साथ समुचित हिस्सेदारी के आधार पर चुनाव लड़ने की पहल करने, चौथे प्रस्ताव में जातीय आधार पर जनगणना का, पांचवें प्रस्ताव में राष्ट्रीय परिषद की मांग और जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए। जदयू छठे प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षित कन्या सुखी परिवार के बिहार मॉडल को जनसंख्या कम करने, सातवें प्रस्ताव में मेडिकल परीक्षाओं में की गई आरक्षण व्यवस्था का स्वागत किया गया, आठवें प्रस्ताव में नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में मधुबनी का किया जिक्र। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात कही। इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। हालांकि बिहार के लिए यह गौरवान्वित करने वाला पल तब हुआ जब उन्होंने बिहार के मधुबनी का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का सुखेत मॉडल स्वच्छ भारत को बल देगा। इसके साथ ही यह मॉडल न केवल गांव को प्रदूषण और गंदगी से मुक्ति दे रहा है, बल्कि किसानों को रसोई गैस के लिए पैसे के साथ जैविक खाद भी मुहैया करा रहा है। बिहार में भागलपुर एयरपोर्ट के लिए फिर से उठी मांग। बिहार में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के 5 एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्रस्ताव हाल ही में पेश किया है। इन सबके बीच अब बिहार में भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर मांग शुरू हो गई है, जिसके तहत भागलपुर के आसपास के जिले जैसे बांदका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई के लोग भी भागलपुर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान को लेकर मांग
उठाने लगे हैं। इसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर हैशटैग भागलपुर एयरपोर्ट तेजी से ट्रेंड करने लगा है। इतना ही नहीं, यूजर ने ट्विटर पर अपनी इस मांग के साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मेंशन किया है। एक यूजर ने लिखा है, कृपया भागलपुर में एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनाकर भागलपुर की आकांक्षाओं को पूरा करे। भाजपा के सामने जदयू ने रखी बड़ी मांग। भाजपा के सामने जदयू ने बड़ी मांग रख दी है, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मांग की है कि पटना में जदयू के राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक के आयोजन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। केसी त्यागी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के समय जैसे सुचारू रूप से भारत का संचालन होता था, वैसे ही बिहार स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने सरकार पर एक बार फिर से अफसरशाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। इसके साथ ही तेजस्वी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अफसर नहीं, उन्हें जनता चुनती है, अधिकारी नहीं। अगर अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने का निर्देश ऊपर से मिलेगा तो जनता की कौन सुनेगा, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोकतंत्र नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी वीआईपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आयोजन अगले साल होने वाला है। हालांकि इस चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है और खास करके बिहार की राजनीतिक पार्टी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी रुचि दिखा रही है, जिसमें सबसे आगे वीआईपी का नाम है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ शुरू हुए खींचतान के बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश दौरे पर है, जहां पर उन्होंने अपने दम पर 165 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके तहत उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी वीआईपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, पार्टी को मजबूती से आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, अपने इस घोषणा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया, साथ ही इसे वक्त की मांग बताया है। भावीना को रजत पदक जीतने पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। बीते दिन पैरालंपिक्स में भारत ने अपने नाम एक मेडल किया है। भारत की भावीना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक की टेबल टेनिस क्लास 4 स्पर्धा के महिला एकल में रजत पदक जीता है, जिसके बाद से ही लगातार बधाइयों का तांता लग गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि आपकी उपलब्धि पर हर भारतीय गौरवान्वित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भावीना बेन पटेल ने रजत पदक जीतकर टेबल टेनिस के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में 1928 को स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन 1947 में किया गया। अजरबैजान ने 1991 में सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2009 में चंद्रयान प्रथम औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। हिंदी विकिपीडिया 1,00,000 का आंकड़ा पार करने वाला प्रथम भारतीय भाषा विकिपीडिया संस्करण 2011 में बना। अकबर का पुत्र एवं मुगल वंश का शासक जहांगीर सलीम का जन्म 1559 में आज के दिन हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह का निधन 1659 में आज के दिन हुआ था। मोबाइल ऐप के जरिए अपने स्वास्थ्य का रखे ख्याल। बीते दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस एप्लीकेशन की शुरुआत के साथ ही उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए लॉन्च किया गया फिर नया मोबाइल अब भारत का सबसे व्यापक फिटनेस मोबाइल एप्लीकेशन बन गया है। यह मोबाइल ऐप निःशुल्क है। फिट इंडिया ऐप्स एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। यह मोबाइल ऐप साधारण स्मार्टफोन पर भी काम करने में सक्षम है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीयों को मोबाइल के सहारे फिटनेस स्तर की जांच करने की सुविधा मिलेगी। इस एप्लीकेशन में फिटनेस को एनिमेटेड वीडियो गतिविधि प्राकृतिक और व्यक्तिगत विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाली योजना जैसी अनूठी विशेषताओं से बनाया गया है। भारतीय टीम को मिली हार पर माइकल वॉन ने कोहली को दी ये सलाह। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्लेइंग 11 में बदलाव को लेकर मांग उठने लगी है। इस बाबत इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आर अश्विन को टीम में शामिल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में जिस तरह से मोहम्मद शमी ने बल्लेबाजी की, उससे निचले क्रम में बल्लेबाजी को लेकर टीम पर माइंड सेट ही बदल कर रख दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी क्रम में 8वें से 11वें नंबर तक 4 ऐसे खिलाड़ियों को नहीं रख सकते जो बल्लेबाजी तकनीक के मामले में काफी कमजोर हो।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आनंद कुमार, अफसाना प्रवीण, शीला कुमारी, मिश्री लाल मेहता, ओम प्रकाश कुमार, वेद प्रकाश कुमार, खान सर यूपीएससी, महेश कुमार, भारत प्रसाद, वेद प्रकाश कुमार, अटल पटेल, राजकुमार, उमेश यादव, रितेश कुमार, विकास कुमार सिंह, अटल पटेल, सोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार स्मार्ट सिटी को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।